Hi guys, so today this has to be my favorite video of all time because आज मैं दो विलास दिखाने वाला हूँ और ये मेरा फेवरेट लेआउट रहा है आज की, मतलब अब तक जितने वीडियोज बने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। सारी स्पेसिफिकेशंस मैं बताऊंगा आपको इन विलास के बारे में, पूरा टूर दूंगा अच्छे से इस बारी। छोटा वीडियो नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी जितनी होनी चाहिए, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। रोड से शुरू करते हैं। 15-20 फीट वाइड रोड है, सहसदार रोड में लोकेटेड है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, वहाँ से आपको 600-800 मीटर की दूरी में मिलेगा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से। रोड इतनी वाइड है, वहाँ पे डेड हैंड है तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक का इशू भी नहीं है, अच्छी खासी वाइड रोड है। आपको विलास दिखा देता हूँ मैं। ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है विलास का, बाहर से तो अच्छे लग ही रहे हैं बट अंदर से मुझे बहुत पसंद आया इनका लेआउट स्पेसिफिकली। तो शुरू करते हैं इनकी कार पार्किंग से। राइट, कार पार्किंग इज एम्पल, बिग गेट, काफ़ी अच्छी विथ है इसकी, अराउंड 12-15 फीट के आसपास विथ है इसकी। एक SUV पार्किंग हो सकती है यहाँ पे इजीली, प्लस आपके टू व्हीलर्स पार्क हो सकते हैं इधर। एंड मुझे ये स्पेस अच्छा लगा, ये बालकनी से कनेक्ट होता है इनके लिविंग रूम से। तो मेरे घर पे एक, मेरे पर्सनल घर पे एक जगह है जहाँ से मेरे को अपनी बाइक दिखती है, वो भी कुछ ऐसा ही है, मेरे को अपने रूम से अंदर अपनी बाइक यहाँ लगी हुई दिखती है। तो जिनके पास कोई एक्सपेंसिव बाइक्स हैं, 300 cc, 500 cc या टू व्हीलर का थोड़ा शौक है, तो मैं यहाँ पे उनकी जगह होता तो यहाँ पे पौधे ना लगा के अपनी एक बाइक खड़ी कर देता ताकि मैं अंदर से उसे देख पाता। एनीवे लेट्स कंटिन्यू द टूर। सो दिस इज द एंट्रेंस, आई रियली लाइक द एंट्रेंस। वाइड डोर है, काफ़ी ओपन है, लाइट हर जगह से आ रही है। स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो 122 गज के प्लॉट एरिया में बना हुआ है ये। वेट, अभी रुक जाओ, पहले एक काम कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो नीचे। दूसरा, अगर आपको एक अफोर्डेबल 3 BHK चाहिए अराउंड 55 लाख रुपीज इन सहसदारा रोड, तो उसका लिंक, पहला लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अंदर घुसते हैं। तो ये है लिविंग रूम, आई विल फर्स्टली शो यू द लिविंग रूम विच इज, क्लोज द डोर बिहाइंड मी, दैट्स द TV कैबिनेट। ब्यूटिफुल, वाई आई से ब्यूटिफुल, बिकॉज वेंटिलेशन एंड लाइट, एम्पल ऑफ लाइट, नॉर्थ फेसिंग है तो लाइट की कमी नहीं है, अच्छा खासा एरिया है, आई मीन इट्स वेरी स्पेशियस। एक अच्छे काउच आ जाएंगे यहाँ पे, टेबल, कॉफी टेबल, अ ह्यूज TV 55 इंच और 65 इंच, परफेक्ट फॉर अ थिएटर रूम ऑल्सो। यहाँ पे आपकी बाइक और या जो भी पौधे आपके, यहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ये मैं यहाँ से बाहर जाके दिखा देता हूँ आपको, दिस इज स्पेस। आगे चलते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड टच। मुझे पर्सनली लेआउट बहुत अच्छा लगा कंसिडरिंग द प्लॉट एरिया, 122 स्क्वायर मीटर, 122 गज, उसके हिसाब से प्लॉट एरिया अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा फॉयर एरिया दे रखा है, एक वहाँ पे थोड़ा एरिया है फॉर योर स्पेसिफिक यूसेज, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर वॉशरूम एंड 1 बेडरूम इज राइट हियर, बिफोर दैट हियर इज द किचन। सो हियर इज द किचन, डोंट माइंड माई ट्राईपॉड हियर। सो आई लाइक द कलर ऑफ द किचन, बहुत अच्छा कलर है। यहाँ पे भी विंडो दे रखी है। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे तीन तरफ से ओपन है ये घर, तीन तरफ विंडोज हैं इसके, दैट्स अ गुड थिंग। एम्पल ऑफ स्पेस इन द किचन, गुड कलर, और ये काफी ओपन किचन है विच आई लाइक, मतलब ये क्लोज भी नहीं है, कोई डोर भी नहीं है इधर, बट ये कंप्लीटली ओपन भी नहीं है, तो इट्स अ गुड। और कलर भी काफी अच्छे यूज किए गए इन मार्बल्स में, तो मुझे बहुत पसंद आया वो। आगे बढ़ता हूँ किचन के, आई शो यू द फर्स्ट बेडरूम इन द ग्राउंड फ्लोर विच इज दिस वन। गुड स्पेस, गुड बेडरूम, किसी गेस्ट के लिए यूज कर सकते हो आप, या अगर आपके घर में एल्डर्स हैं उनके लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज वो ऊपर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, तो ग्राउंड फ्लोर में उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा है। गुड, यहाँ पे भी काफी अच्छी वेंटिलेशन है, लाइट है, बिकॉज यहाँ पे भी एक ओपन बैल्कनी है यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट। दिस इज द बैल्कनी, गुड, 2 एंड हाफ 3 फीट वाइड हो गई है, इन ऑफ स्पेस है, वहां पे आप वॉशिंग एरिया भी कर सकते हो इफ नीडेड। तो आई विल गो इनसाइड, गुड स्पेस, आई मीन एक डबल बेड इजीली आ सकता है एंड अ कॉफी टेबल साइड में या साइड टेबल आ सकता है उसके साथ, इन ऑफ स्पेस है। प्लस ये रूम उतना छोटा भी नहीं इसलिए लगता क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी विंडो है और बालकनी है, उसकी वजह से लाइट और एयर की कोई कमी नहीं होती इधर। तो मैंने ऑलरेडी सब खोल के रखा हुआ है ताकि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को।
So this is the washroom of the ground floor, which is quite good enough, you know. हर चीज़ कंसिडर करके ये चीज़, आई मीन इट्स अ गुड वॉशरूम, ना ज़्यादा है ना कम है, इट्स अ परफेक्ट वन. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक आपको ऊपर वाला, बाय द वे यहाँ पे आप अपना बाहर का गेट दे सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एन एंट्रेंस फ्रॉम विच यू कैन एंटर. ओके, नाइस कूल टचेस. आई लाइक द कलर ऑफ द सॉकेट्स ऑल्सो. और ये दीज लाइट्स बहुत अच्छी लग रही हैं घर पे. I'll just show you, quickly show you the upstairs, the first floor of this house, which is my favorite after the living room. So this is a small area, that's a puja room. बहुत अच्छा बनाया है पूजा रूम. Enough space है. कुछ लोगों के घर में मैंने पूजा रूम देखे हैं, वो काफी क्रैम्ड होते हैं, बहुत छोटे सी जगह पे बनाए होते हैं, कि जैसे मतलब एक इतना सा कोना मिला उसी में पूजा रूम बना दिया. ऐसा मुझे इसमें नहीं बनाया, इसे पूरा एरिया दे रखा है पूजा के लिए, तो विच इज क्वाइट इनफ एंड स्पेशियस कंसिडरिंग द पूजा रूम. यहाँ पे भी आपको एक इनफ स्पेस मिल जाता है एक छोटा सोफा सेट लगाने के लिए और टीवी लगाने के लिए. वैसे यहाँ पे टीवी लगाएगा नहीं कोई, बट स्टिल द स्पेस. इज अ बैल्कनी हियर विच इज माई फेवरेट पार्ट. आई विल जस्ट शो यू द बैल्कनी. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इनफ स्पेस टू हैंग अराउंड. कुछ चेयर कॉफी लगाई यहाँ पे, चेयर छोटा टेबल लगाइए, शाम को चाय पी लिए, बेस्ट. ये बालकनी कनेक्ट होती है इस बेडरूम से, तो मैं यहीं पे घुस जाता हूँ. आह, मैग्नानिमस. दिस इज वेरी स्पेशियस, फुल ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन. दिस इज माय फेवरेट रूम ऑफ द हाउस. ठीक है, ये मेरा फेवरेट रूम है. यहाँ पे बालकनी अच्छी मिलती है आपको, बाहर से शांति एकदम अच्छी, लाइट आ रही है, हवा आ रही है, सब कुछ आ रहा है. रूम का साइज भी बहुत अच्छा है एक्चुअली. सो और ये क्या है, यहाँ पे एक आपको वॉक इन वार्डरोब मिल जाता है. Enough space to walk around. To यहाँ पे भी आपको windows मिल जाती हैं, तो which is a good thing. मैं आपको दिखा देता हूँ काफी. और look at the color. Sorry, light की थोड़ी कमी है इधर, because अभी यहाँ पे lightings installed नहीं है, तो उस वजह से भी. But यहाँ पे भी एक light के लिए दे रखा है, which is nice. I like the color of the washroom. बहुत अच्छे से understated, undertone color है, which is contrasting to the house. जो बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, आई लाइक इट पर्सनली. तो दिस इज अ वेरी नाइस स्पेस. मतलब आप बाहर निकलोगे और यहां अंदर आओगे तो दोनों का कंप्लीट अलग अलग कलर थीम है, देखो ना आप, तो बोर नहीं होगा इंसान. वेरी नाइस टीवी कैबिनेट, गुड टच. मुझे पर्सनली रूम उनकी उसकी बैल्कनी के लिए, और इसकी अटैच बैल्कनी है तो इसकी और उसके स्पेस के लिए बहुत अच्छा लगा ये वाला रूम. Now coming to the foyer again. This space is also very nice. Calming space है. ऊपर का वॉशरूम है फर्स्ट फ्लोर का. यहाँ का थीम भी देखिए आप अलग है, टाइल्स देखिए आप, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वॉशरूम्स. तो हर वॉशरूम के अलग अलग टाइल है. कुछ स्पेस वॉशरूम छोटे नहीं है, ये मुझे अच्छी बात लगी. वॉशरूम का स्पेस एडिक्वेट है, मोर देन एडिक्वेट आई वुड से. This is the second bedroom of the first floor. So three bedrooms in total in this house. Double story duplex house, which is quite nice. यहाँ की बालकनी में ज्यादा लाइट आती है एक्चुअली उस वाली बालकनी से, और यहाँ से आपको छोटा सा पार्क भी दिखता है, which is quite nice. इसकी बालकनी भी बहुत अच्छी है. I'll just show you around the balcony. Very nice. Look at that. Look at that. Beautiful, right? I love it. Also very, I think पूरे घर में इस रूम की सबसे बेस्ट बालकनी है. बट ये वाला रूम कंपेरेटिवली उस वाले रूम से थोड़ा सा छोटा है, बट इट हैज अ प्लस पॉइंट, द बालकनी व्यू. सो ऊपर का आपने पूरा स्पेस देख लिया है. बेडरूम नंबर वन, दैट्स द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस. बेडरूम नंबर टू एंड द बेडरूम नंबर थ्री इज डाउन स्टेयर्स, एंड दिस इज द बालकनी. आई क्विकली शो यू द रूफ. I'll show you the roof. So walk up the stairs. This is the roof. Nice tiles. Tiles अच्छे लगे मुझे. So इस घर की एक और बात है, इस घर में construction बहुत अच्छा हुआ है जो मैं देखा पहली बार, मतलब एक डेढ़ घंटे पहले आके. Construction काफी अच्छा हुआ है इस घर में, no doubt. Secondly, the layout is very nice of this house. So layout is very nice. कैसे डिजाइन होता है घर, कहाँ कहाँ आपको बालकनी में कितनी कितनी जगह छोड़नी है,
किस रूम का क्या साइज होना चाहिए, द बेसिक्स आर वेरी गुड इन दिस हाउस. मतलब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी. आप 3 बेडरूम के लिए जा रहे हो, 2 फ्लोर्स हैं, इनफ पार्किंग है, बालकनी है हर रूम में, 3 वॉशरूम्स हैं, गुड किचन है, वेंटिलेशन है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो गुड डील, दिस इज अ गुड डील. दैट्स व्हाई आई वाज एक्साइटेड. सो द वैल्यू, द डिमांड ऑफ दिस हाउस इज, बोथ द हाउसेस इज 1.15 CR, लोकेटेड नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ऑन सियासतदारा रोड. सो कम विजिट, एक बार तो देखनी चाहिए. आपको लेनी भी नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, अच्छा है, घर अच्छा है. चलो, बाय बाय.